आपको मालूम है चाचा, दहेज लेना गैर कानूनी है, इससे जेल भी हो सकती है। मुझे मालूम है, लेकिन ये लोग क्या जाने, इसीलिए हम जो चाहे मांग सकते हैं। बेवकूफ तोते, क्यों करे कोई दहेज से इनकार है? अगर ये लोग इतने बुद्धू हैं, तो हम शादी के बाद भी इनसे कई चीजें मांग सकते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। साइकिल अब, मोटरसाइकिल बाद में। साइकिल अब, मोटरसाइकिल बाद में? अरे, ये तो मीना का तोता है, जाके सब बता देगा। इधर आओ, इधर आओ। भाई मेरे, परेशान क्यों होते हो? तोता ही तो है। पनीरिया, क्या हुआ मिट्ठू? साइकिल आप, मोटरसाइकिल बाद में। इसका क्या मतलब हुआ दादी, आपको कुछ समझ में आया? ऐसा है, यानी ये लालची लोग शादी के बाद और भी दहेज मांगने की सोच रहे हैं। कितने लालची हैं? लालची। चलो तारा को बताएं। अरे तारा, क्या हुआ बताओ ना। तारा, वो लोग बहुत खराब है, वो लोग शादी के बाद और भी सामान मांगने वाले हैं। तुम्हें कैसे पता? मिट्ठू ने सुना। साइकिल आप, मोटरसाइकिल बाद में। अरे ये तो हद हो गई। क्या हुआ? क्या बात है तारा? तारा दहेज की बात पर गुस्सा है। पर क्यों? दहेज तो हमें देना ही पड़ेगा। दहेज के बिना कौन लड़की लेगा? मैं लूंगा बड़े होने पर। काश हम ये रिवाज बदल सकते। पर आप लोग सुनिए तो जरा, शादी के बाद वो लोग मोटरसाइकिल मांगेंगे। क्या? तुम्हें कैसे पता? मिट्ठू ने उन्हें कहते सुना है। साइकिल अब, मोटरसाइकिल बाद में। हम कहां से देंगे? न जाने कैसे लोग हैं, कितने लालची हैं सबके सब। अब करें क्या? मना कर दीजिए। हाँ यही ठीक है, हम मना कर देंगे। हाँ बिल्कुल। नहीं, न लेना, न देना। यही नहीं, हमें इन लोगों के बारे में दूसरों को भी बता देना चाहिए। चलो हम मुखिया से बात करें। ये लालची लोग सिर्फ दहेज ही नहीं मांग रहे हमसे, शादी के बाद भी बहुत कुछ हड़पने का इरादा है इन लोगों का। जब वो कल आएंगे हम धक्का मार बाहर करेंगे। मैंने सुना है वो घर घर जाकर शादी के लायक लड़कियों के बारे में पूछ रहे हैं। और उन्हें तो बस दहेज से मतलब है। इन लालची लोगों का पत्ता ही काट देना चाहिए। बिल्कुल, सब लोगों को यही करना चाहिए। आपको पता है दहेज लेना और देना दोनों ही गैर कानूनी है? मुझे नहीं मालूम था। ये तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आम तौर पर जब कोई अच्छा लड़का मिलता है तो दहेज देना ही पड़ता है। और लोग भी अपनी लड़कियों को दहेज देना चाहते हैं। यही तो सारी बात है, इस रिवाज को पूरी तरह से हटा देना चाहिए। मिट्ठू ठीक कहता है, मैं तो नहीं बिकने वाला। मैं जब शादी करूंगा तो दहेज बिल्कुल नहीं लूंगा। मैं भी नहीं लूंगा। मैं अपने माँ और बाबा को दहेज नहीं देने दूंगी। मुझे तुम पर नाज है बच्चों, हर एक लड़के और लड़की को ऐसा ही करना चाहिए। ठीक कहा, आओ हम सब कसम खाएं कि ना तो दहेज लेंगे और ना देंगे। दहेज ना लेना ना देना। ना लेना ना देना। और क्या कहना है? क्या तय किया है आपने? अगर आज दहेज का फैसला नहीं होता है तो हम शादी से इनकार कर देंगे। कहिए ना पिताजी।
हाँ, हम इनकार कर देंगे और हम कोई दहेज वहेज नहीं देने वाले। बस ये सब क्या हो रहा है, है? आप लोग क्या कर रहे हैं? तुम लोग बड़ी भारी गलती कर रहे हो। बिना दहेज के तुम्हारी लड़की का ब्याह नहीं हो सकता। हमें कोई जल्दी नहीं है, देखेंगे। हम देख लेंगे। उठो चलो, अब हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं रखा है। हाँ, चलो, और बहुत सी लड़कियाँ हैं। चलो पहले वाले घर में चलते हैं, दहेज कुछ कम कर देंगे। दहेज न लेना न देना। ओह, मैं तो चला, यहाँ रहकर मुझे अपनी शामत नहीं भुलानी है। खुशियाँ